साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है।